दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज द्वारा युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय व्याख्यान माला के 5वें दिन योग एवं भारतीय जीवन पद्धति विषयक संगोष्ठी का आयोजन दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर द्वारिका नाथ, प्राचार्य प्रोफेसर सुमित्रा सिंह, डॉक्टर शिवाजी सिंह, डॉक्टर संतोषी सिंह, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान माला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद वक्ताओं ने योग एवं भारतीय जीवन पद्धति विषय पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि योग वो पद्धति है जो प्राचीनतम काल से लोगों के असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त करती चली आ रही है। लोगों को चाहिए कि वो योग को अपना कर अपने शरीर के विकार को दूर करें। उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता केवल यह कहकर के कि इसका संबंध विशेष रूप से शारीरिक रोगों को दूर करने से है। तो जैसा कि हमने भी आपको बताया कि योग का जो मुख्य लक्ष्य है, जैसा कि पतंजलि ने बताया, वह तो आत्म साक्षात्कार है। इससे पहले मैंने कहा कि योग पूरी तरह से एक विज्ञान है। एक लय में काम करने का रास्ता दिखाता है। मन, शरीर और आत्मा को कलात्मक रूप से एक लय में काम करने का रास्ता दिखाता है। यह अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मिलन है, जिसके माध्यम से हम शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित कर हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, हम ईश्वर साक्षात्कार करते हैं। इसलिए योग एक विज्ञान है और इसका संबंध किसी विशेष देश काल से नहीं है, किसी विशेष स्थान समय से इसका संबंध नहीं है। यह संपूर्ण मानवता के लिए है, संपूर्ण मानवता के लिए ही है। और शायद किसी को ध्यान में रखकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अधिवेशन में यह कहा कि मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए, जिससे सारी दुनिया को योग का लाभ मिले। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों में 177 देशों जो सर्वसम्मत थे उसके द्वारा ये पारित हो गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प न केवल भारत बल्कि सारे विश्व ने किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, यह विश्व के स्वास्थ्य और लाभ के लिए काम करेगा। रोगों के रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और अद्भुत जीवन शैली के द्वारा जो विकार उत्पन्न हो गए हैं, इन विकारों के प्रबंध में यह महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, योग पूरी तरह से एक विज्ञान है। जैसे अनेक प्रकार के विज्ञान मानव जाति की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही योग मानव जाति की सेवा करने में पूरी तरह से समर्थ है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, उसकी जो शाखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि जहां पर चिकित्सा विज्ञान बीमारियों को दूर करता है, रोगों की चिकित्सा करता है, योग का यह महत्व है कि वह रोग होने ही नहीं देता। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि उसका एक अंग है, कुछ प्रकार हम देख रहे हैं कि योग की जो उपयोगिता है वो बहुत स्पष्ट है। योग
एक आधुनिक जीवन शैली नहीं है बल्कि एक प्राचीनतम जीवन शैली हमारे हिंदुस्तान की है। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि यह हमारी अपनी चीज है, हिंदुस्तान की अपनी चीज है।